तो आखिरत भी अच्छी होंगी। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ एक बहुत सिर्फ बात को समझने के लिए। एक मरतबा एक सेमिनार हमने रखा था कि इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर, इस्लामिक बैंकिंग कैसी चलती क्या होती है, उसका नाम दिया था इस्लामिक तो नहीं लिखा था, वहां लिखा था बिला सूदी बैंकारी नॉन इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग कैसे चलती है। तो एक साहब जो है नॉन इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग का जो ये टाइटल सुनकर वो मिलने आए, जो कि नॉन मुस्लिम थे, नॉन मुस्लिम थे और एक बड़ी शख्सियत है हिंदुस्तान के अंदर जहां तक मामला फाइनेंस और इकोनॉमी का होता है। ये वो है जो पार्लियामेंट जब नहीं बनती है तो वहां जितने लोग नए एमपी चुन के आते हैं उनको पैसा कैसा बनता है, कैसा छपता है, उसकी वैल्यूज कैसे डिफाइन होती है, वो एक्सप्लेन करते हैं जाकर। और वो इत्तेफाक से रहने वाले मेरे ही शहर के, तो नॉन मुस्लिम है, लेकिन वो आए और आकर कहा कि ये सेमिनार में मुझे अटेंड करना है, मुझे ये सुनना है। लेकिन उससे पहले हमने उनसे बातचीत की, आपको क्यों आना इस सेमिनार में? तो बोलने लगे मैंने 30 ईयर्स रिसर्च किया नॉन इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग पर, बिला सूदी बैंकारी पे 30 साल की रिसर्च थी मेरी, 30 साल की रिसर्च। फिर 30 साल की रिसर्च के बाद किसी ने कहा यार दुनिया के जो मजाहिर होते हैं ना, रिलीजन होते हैं, उनको भी जरा देखो, कुछ शायद उसमें भी कुछ वैल्यूज मिले, कुछ चीजें मिले। तो फिर मैंने यहूदियत स्टडी की तो मुझे तो ऐसा लगा कि ये कौम तो शायद सूद देने के लिए पैदा हुई, देना और लेना, तो मुझे नहीं मिला। फिर मैंने ईसाइत को स्टडी किया तो ईसाइत में हुआ ये कि किसी ने पोप से 17th सेंचुरी में एक फतवा मांगा, एक मसला पूछा कि सूद हराम है या हलाल, वो अपने बहरहाल उसमें कोई जवाब नहीं, खामोशी अख्तियार की। कमिंग जनरेशन में उसके बाद की आने वाले दौर में सदियों में उन्होंने 2% को हलाल करार दिया, फिर 4 को हलाल करार दिया, फिर 10 को हलाल करार दिया, फिर 20 को दिया और अब उन्होंने खुली छूट दे दी कि भाई कुछ भी कर सकते हो। तो मुझे लगा यहाँ भी उसका सलूशन मुझे नहीं मिलेगा। फिर बिल आखिर मैंने सोचा इस्लाम भी देख लेते हैं, मतलब एक आखिरी हद तक देख लेते क्या इसमें कुछ है क्या, उनके नजदीक इस मजहब में कोई ऐसी खासियत थी नहीं, देख लेते नहीं चलो। जब इस्लाम का उन्होंने बिला सूदी नज्म देखा, जो उन्होंने फिर फतावे पढ़े, जो कुरान की आयतें पढ़ी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीसें पढ़ी, तो उन्होंने कहा कि मैं यही तो तलाश कर रहा था इतने सालों से। और फिर वो मुझसे उन्होंने कहा कि 30 साल की मेहनत मेरी पूरी रायगा हो गई, काश कि अगर मैं किताब व सुन्नत तुम्हारी कुरान हदीस पढ़ लेता तो 30 ईयर्स की रिसर्च वहां करके कुछ और रिसर्च करता होता अब तक। ऑलरेडी एक निज़ाम मौजूद है, लेकिन अफसोस मुझे लगा किसी मजहब में निज़ाम नहीं होगा, ले मैंने इसको पढ़ा नहीं। तो गोया वो लोग गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम जिसको हम कहेंगे, वो इस्लाम की तरफ आ रहे चूंकि इसमें सोल्यूशन और हल है। गोया ऐसा है कि हम जाके पत्थर की दीवार पर पहले सर मार के सर फोड़ते हैं, बाद में पता चलता रास्ता पीछे तक खुला, इधर दीवार तोड़ रहे आप। तो इस्लाम में सोल्यूशन है, प्रॉब्लम हमारा ये है कि हमको समझ में नहीं आती वो चीज़ें जो इस्लाम बताता है। इस्लाम की बातें मतलब सबसे आखिरी में देखा जाएगा, पहले अपनी कोशिशें पूरी कर लो। तो याद रखिए चाहे नौजवान हो चाहे बूढ़े हो, इस बात को समझिए कि अगर दुनिया की एक बेहतर जिंदगी चाहिए तो इस्लाम में वो सिस्टम है, वो निज़ाम है, वो तरीका है। अब मैं जो बातें आपके सामने रखूंगा